मैं असम से आ रही हूँ, मेरा नाम पल्लविता शाह है। मैं तो घबरा गई थी कोविड के लिए, लेकिन यहाँ कोविड टेस्ट भी हो गया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। मेरा ये थायराइड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, अभी मेरा ये ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर सुशील जैन ने लीड लेके मेरा ऑपरेशन किया है, अभी मैं ठीक हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार जैन है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में 24 साल से एज ए फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट सर्जन एंड एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो मेरी पेशेंट है जिसका नाम पल्लविता शाह है, मेरे पास एक नेक में छोटी सी स्वेलिंग लेके आई थी केवल। उस समय मैंने क्लिनिकली नहीं सोचा था कि इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी। जब मैंने बायोप्सी की और बायोप्सी रिपोर्ट में आया मेटास्टेटिक पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, अर्थात थायरॉइड ग्लैंड में कैंसर हो चुका था और पूरे शरीर में फैल भी चुका था। फिर जब हमने पेट सीटी स्कैन किया तो पाया कि इनके स्पाइन में, बोन्स में ये फैल चुका था। फिर मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन उनकी सहायता ली, डॉक्टर फिरोज पासा और डॉक्टर दुदुल मंडल की, और मैंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर त्यागी साहब को रेफ़र किया केस को। और फिर ये फैसला किया गया कि पहले लोकल रेडिएशन देंगे स्पाइन में, तो वही किया गया, स्पाइन को सेटल किया गया। फिर एक इंटरवल के बाद हमने उनकी सर्जरी की, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल थायरोडेक्टोमी और रेडिकल नेक डिसेक्शन। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन मुझे खुशी है पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, एक दो दिन में हम इनको घर भेज देंगे। फिर ये ऐसे पेशेंट को हम लोग जब एक इंटरवल के बाद बुलाते हैं और हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में रेफ़र करते हैं थायरॉयड के फर्दर मैनेजमेंट के लिए। धन्यवाद।